आज आम आदमी पार्टी मेरठ द्वारा कमर्शियल पार्क पर बढ़ती महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए कमिश्नरी पार्क से जिलाध्यक्ष महोदय कार्यालय तक धरना प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी ने बढ़ती बिजली दरों व टमाटर आलू सब्जी व अन्य सभी प्रकार की महंगाइयों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। नमस्कार, मैं अभिषेक द्विवेदी, जिला महासचिव आम आदमी पार्टी मेरठ। आज हमारी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के सारे 75 जिलों में जो इन्होंने प्याज आलू के दाम बढ़ा दिए हैं और महंगाई आसमान छू रही है, उसको लेकर राज्यपाल जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्योंकि ये सरकार जो है हर मामले में फेल हो चुकी है, चाहे बिजली का स्मार्ट मीटर का घोटाला हो या आलू प्याज के दामों में लगातार आसमान छूती वृद्धि हो, जिससे आम आदमी का जीना दुभर हो चुका है। इनके लिए तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि तुम्हारे चेहरे में जो लाली छाई है वो भ्रष्टाचार की दलाली की कमाई है। साथियों, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो किसानों के लिए जिस प्रकार से उनका MSP खत्म कर दिया है, MSP खत्म करने के कारण दलाल पूरी तरह से छाए हुए हैं। आज उन्हीं दलालों के कारण ये आलू प्याज में के दामों में जो वृद्धि हुई है, उसी का परिणाम है, जो जमाखोरी का परिणाम है, उसी को लेकर हम लोग आए हैं। इन्होंने पेट्रोल के दामों को इतना बढ़ा दिया, डीजल के दामों को इतना बढ़ा दिया, किसानों की हालत कमज़ोर कर दी, कमर तोड़ दी, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, तो उनकी ये स्थिति है। महंगाई बंद करो।